हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसा डाइट प्लान जो 2 वीक्स में आपका 5 kg वेट लॉस कर देगा। जी हाँ, आज आप मेरा बताया हुआ ये टेस्टेड है, 101% श्योरिटी देती हूँ अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली 2 वीक्स में 5 kg लूज होगा ही होगा। विद आपको करनी है मेरी बताई हुई सारी एक्सरसाइजेस फॉलो। इन बिटवीन आपको कोई भी एक्स्ट्रा फूड नहीं खाना। आप 2 वीक्स तक आप बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, मीठा कुछ नहीं खाएंगे, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। वो डाइट प्लान क्या है और इतना ईजी है जिसमें आपको भूखा बिल्कुल नहीं रहना, आपका बॉडी स्टेमिना बड़ा रहेगा, आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है। क्योंकि मेरे बाकी के डाइट प्लान में आप लोग कंप्लेन करते थे, ईशा तुमने फ्रूट के बेसिस पे कहा है या इसके बेसिस पे कहा है तो हम कैसे पूरा दिन ऑफिस जाते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं, या स्टूडेंट है तो कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो बस आपकी ईशा ने आपकी यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसा डाइट प्लान लेकर आई है जो अगर आप वर्किंग है तो भी फॉलो करेंगे, अगर नॉन वर्किंग है तो भी फॉलो कर पाएंगे, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, हर चीज में आप इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए थैंक यू सो मच, और करना है वीडियो को लाइक। लाइक के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर इसलिए करिए ताकि सब लोग इस वीडियो का फायदा उठा के अपने वेट को खत्म कर सके, लॉस कर सके और हेल्दी डाइट ले सके ताकि वो बीमारियों से बच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा डाइट प्लान स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में जब आप उठ गए, नॉर्मल फ्रेश अप हो गए, अगर आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग है, इतनी फास्ट है कि हमें 6 बजे 5 बजे उठना ही पड़ता है। अगर आप उठ गए उसके बाद नॉर्मल फ्रेश अप हो गए तो आप उसके बाद 1 ग्लास गर्म पानी पीना है अच्छे से, लेकिन इतना पानी पीजिए कि आप अच्छे से फ्रेश अप हो जाइए। पानी अगर आप ज्यादा पियेंगे तो आपके जितने भी लास्ट आपने नाइट में जो भी कुछ खाया वो सारे वेस्ट टॉक्सिंस आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 8 बजे लेना है लाइम जूस यानी लेमन वाटर जो आपको पीना है। 1 ग्लास गुनगुने पानी में आप आधा नींबू या 1 नींबू स्क्वीज करिए, 1 चम्मच हनी ऐड करिए। ध्यान रख लीजिएगा पानी का टेम्परेचर गर्म ना हो, नॉर्मल लुकवार्म वाटर हो, क्योंकि हनी उसमें अगर आप ऐड करके पियेंगे तो वो नुकसानदायक होता है। आप उसको एकदम से घटघट करके नहीं पीना, आपको पीना है सिप सिप करके। जब भी पानी पिए, आप नॉर्मल पानी भी पीते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पिए तो आप नॉर्मल सिप करके पानी पिए। हम लोगों की आदत है बॉटल उठाई, मुंह पे लगाई और डायरेक्ट पी लिया। ऐसे ही अगर ग्लास से पी रहे हैं तो भी हमने डायरेक्ट पी लिया, ऐसा नहीं करना। आपको इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा। लेमन वाटर आपने पी लिया, अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट हमने करना है 10 बजे तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मोस्टली टाइमिंग यही होता है, या 8-10 में भी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको खाना है पोहा, इडली बिना सांभर के, या आप खा सकते हैं ओट्स खा सकते हैं बाउल भर के। अगर आपको वो भी नहीं खाना तो आप ब्राउन ब्रेड, या आप ये इन डेली डिसाइड कर सकते हैं, आज आपने ओट्स खाए, नेक्स्ट डे आप उपमा खा सकते हैं, थर्ड डे आप टोस्ट खा सकते हैं। टोस्ट आपको नॉर्मल टोस्ट नहीं खाना, ब्राउन ब्रेड का टोस्ट खाना है। उसमें आप खीरे के यानी खीरे के स्लाइसेस लगाकर खा सकते हैं, पुदीना चटनी बना सकते हैं उसमें फ्लेवर के लिए लगा सकते हैं, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, आप वो खा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके साथ बॉइल्ड एग ले सकते हैं। बॉइल्ड एग में आपको येलो वाला पार्ट नहीं खाना, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो येलो वाला पार्ट आपको नहीं खाना, सिर्फ आपको व्हाइट पोर्शन खाना है। उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में पूरा दिन एनर्जी बनाए रखेगा। आप 2 या 3 बॉइल्ड एग खा सकते हैं इजिली ताकि आपकी पूरा दिन बॉडी में एनर्जी रहे और आपको भूख नहीं लगे। अब बारी आती है अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया 8 से 10 के बीच में, तो मिड यानी 12 बजे तक अगर आपको भूख लगे तो आप क्या खाएंगे, घर पर हैं तो भी और बाहर हैं तो भी। आपको खाना है कोई भी सीजनेबल फ्रूट। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एप्पल खाइए। एप्पल का बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हम सेब खाते हैं तो एक्चुअल में कहा गया कि हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, खून की कमी नहीं होने देता, हमारे डाइजेशन बहुत अच्छा रखता है, हमारी स्किन ग्लो रखता है, हमारे हेयर्स अच्छे रखता है और हमारी हेल्थ के लिए तो भय ही बहुत अच्छा। तो आपको एप्पल, एक तो मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि एप्पल का सेवन आपको रात में नहीं करना, इसलिए आप मॉर्निंग प्रेफर करिए, और ले जाना भी बहुत इजी है। ऑफिस जा रहे हैं तो एप्पल आप लेके खा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि हम उसका छिलका पील करके खाते हैं, स्टाइल होता है यार छिलका नहीं खाना, लेकिन आपको एप्पल ऐसे नहीं खाना, आपको एप्पल छिलके के साथ ही खाना है। वॉश करिए, कट करके खाइए, जैसे मर्जी खाइए, लेकिन छिलके के साथ खाइए तो आपको उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली बेनिफिट उसके छिलके में होते हैं जो आप डस्टबिन में डाल देते हैं, ऐसा मत करिए। अब बारी आती है लंच की। लंच में हमें क्या खाना चाहिए, लंच के टाइमिंग होते हैं 1 से 2 के बीच में। आपको खानी है 2 या 3 मल्टीग्रेन रोटी, बिल्कुल मैं आपको रोटी आपके भूख के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि 1 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए, अगर आपकी 3 की भूख है तो 3 इनफ है, इससे ऊपर मत खाइए। 3 रोटी अच्छी तरह से खा लीजिए पेट भर के, मल्टीग्रेन रोटी।
क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एक बात बताइए। अगर आप ईशा कह रही है शाम को एक्सरसाइजेस भी करो, ऑफिस का काम करो, पढ़ाई करो, इतना सारा स्ट्रेस अगर हम लेंगे तो बॉडी में कुछ खाना जाना तो जरूरी है ना, नहीं तो वीकनेस आ जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, थका थका फील करेंगे आप, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। डाइट प्लान ऐसा बताओ ताकि आप अच्छे से उसको फॉलो भी कर सके और एनर्जी भी पूरी बनी रहे। तो 2 या 3 मल्टीग्रेन रोटी, नॉर्मल आटे की नहीं खानी, मल्टीग्रेन रोटी खानी है। साथ में आपको लेना है 1 बाउल भर के वेजिटेबल, जो आपको खानी है सीजनेबल वेजिटेबल कोई भी बना के खाइए। उसमें आपको घी ऐड नहीं करना, तड़का नहीं लगाना, नमक का इस्तेमाल कम करना है, नमक हमारा वेट बढ़ाता है मीठे के साथ साथ, आप लोग तो ये जानते ही होंगे नमक से वेट गेन होता है। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर उसमें ऐड कर सकते हैं स्वाद के लिए। 1 कटोरी भर के, या तो मैं आपको कहूंगी कि 2 कटोरी भर के दही तो जरूर खाइए। दही हमारी स्किन के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और दही का सेवन कभी भी रात में नहीं करना चाहिए, हमेशा डे टाइम में करिए खाने के साथ में। और 1 बाउल भर के सैलेड का खाइए, जो भी आपकी फेवरेट सैलेड है, खीरा, ककड़ी, कुछ भी। अगर आपको टमाटो खाना है तो वो भी, जैसे आपने खाना खा लिया हाफ एन आवर हो गया, उसके बाद आप 1 प्लेट भर के सैलेड का भी खाइए। ये बहुत जरूरी है कि हम सीजनेबल, खीरा हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, टमाटो अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, ककड़ी अगर हम खाते हैं तो वो अच्छी होती है, तो सैलेड हमें जरूर खाना चाहिए। सैलेड अपनी डे टाइम में जरूर आप शामिल करिए, उसको जरूर खाइए, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, आपको वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, पेट भी आपका भरा भरा रहेगा, आपने इतना इनफ खा लिया है। अब बारी आती है मिड इवनिंग की, यानी 5 बजे, जब हमें बहुत भूख लगती है, मन करता है यार कुछ उठाओ, समोसा ऑर्डर करो, कॉल्स करो यार, बुलाओ किसी को और ऑर्डर करके कुछ ना कुछ खा लेते हैं। मॉर्निंग से तो डाइट प्लान फॉलो कर ही रहे हैं ना, रात में भी कर लेंगे, थोड़ा सा खाने में क्या जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। इवनिंग में हमें क्या खाना है साथ में कैरी करके रखना, ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो। हमें लेना है ग्रीन टी। अब आप सोचेंगे ग्रीन टी ऑफिस में कैसे बनाओ, गर्म पानी तो होता है ना। ग्रीन टी के जो टी बैग्स होते हैं वो तो आप कैरी कर सकते हैं ना, अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रख सकते हैं, अगर ड्रॉअर नहीं है तो अपने एक लंच बॉक्स में कैरी कर सकते हैं। उसको गर्म पानी में डिप करिए और ग्रीन टी पी लीजिए, और साथ में 1 लेमन जरूर रखा कीजिए। मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जब आपने दिन का खाना खा लिया तो नॉर्मल गर्म पानी, जो वाटर कूलर्स होते हैं या आरओ लगा होता है उसे गर्म पानी आ जाता है, उसमें से गर्म पानी लेकर आप खाली नींबू स्क्वीज करिए खाना खाने के 1 घंटे बाद, और उस पानी को पी लीजिए। हनी मीठा कुछ ऐड नहीं करना, आपका जितना भी आपने खाया है डाइजेस्ट रहेगा और आपके पूरा दिन बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। ऐसी ग्रीन टी जब आप बनाते हैं तो ऊपर से लेमन स्क्वीज करके पीजिए, बहुत टेस्टी लगती है, ट्राई करना आज से, बहुत अच्छी लगेगी। किसी भी ब्रांड की आप ग्रीन टी लीजिए, उसमें लेमन ऐड कर दीजिए, 1/2 लेमन या कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दीजिए, तो टेस्ट उसका बहुत बढ़ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। ग्रीन टी हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा कर देती है, इसलिए वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी है। अब साथ में हमें क्या खाना है, हमें खाने हैं भुने हुए चने। भुने हुए चने मार्केट में इजीली पैकेट अवेलेबल होता है, आप अपने पर्स में कैरी भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, कोचिंग के लिए जा रहे हैं, तो भी आप कैरी कर सकते हैं अपने बैग में। जब आपको भूख लगे 10 रुपए का पैकेट कुरकुरे का खरीदते हो ना, छोड़ दो। लेस का खरीदते हो ना, छोड़ दो। पेटी खरीद के खाते हो, खाने दो अपने फ्रेंड्स को, आपको नहीं खाना। आपको अगर वेट लॉस करना है, अपने आप को टोन रखना है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी डाइट लो, मखाने अपनी मम्मा से बनवा के मॉर्निंग में टिफिन में कैरी कर लो। अगर आप खुद लेडी हैं, जेंट्स हैं, तो अपनी वाइफ से या अपने आप खुद भून कर उसको हल्के से घी में फ्राई करके नॉर्मल हल्का सॉल्ट डालकर उसको अपने टिफिन में कैरी करो, आपकी स्किन ग्लो रहेगी। बहुत ओवर ईट मत करो, मखाने गर्म होते हैं, नॉर्मल रेशो अगर किसी भी चीज की खाएंगे तो कभी नुकसानदायक नहीं है। और भुने हुए चने आप जितने मर्जी खाइए, कोई नुकसान नहीं है, हर सीजन में आप खा सकते हैं, विंटर समर्स। और खाने के बाद फील करना और मुझे याद करना कि सच में आपका पेट भरा हुआ फील होगा, जितनी भी भूख होगी ना आपको लगेगा कि हाँ आपका पेट भरा हुआ लग रहा है, अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छे से एनर्जी मिलने लगेगी, आपका काम करने में ज्यादा मन लगेगा। अब बारी आती है डिनर की, डिनर में हमें क्या खाना है। डिनर टाइम ऑलवेज मैं रेकमेंड करती हूँ 7 to 8, मैक्सिमम 8:30 तक आपको डिनर कर लेना है। इससे लेट अगर आप डिनर कर रहे हैं तो अपनी बॉडी का खुद सत्यानाश कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे लेट अगर आप डिनर करते हैं आपको डाइजेस्ट होता ही नहीं है, चाहे आप हेल्दी डाइट खाएं या नॉन हेल्दी डाइट खाएं, कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। टाइमिंग सेट कर लीजिए अगर अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं तो। आपको उसमें खाना है बॉइल्ड चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड फिश या ग्रिल्ड फिश खा सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें ऑमलेट भी खा सकते हैं। ऑमलेट में आपको क्या खाना है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसका ऑमलेट बनाना है, येलो वाले पार्ट का ऑमलेट नहीं बनाना, क्योंकि उसमें फैट होता है और हमें फैट वाली चीजें नहीं इनटेक करनी, क्योंकि हम वेट लॉस प्रोसेस पर हैं। साथ में आप खा सकते हैं 2 चीला बना सकते हैं बेसन के। बेसन का चीला बनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा बेसन लीजिए, उसमें पानी ऐड करिए, उसमें टमाटो ओनियन आप ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर के लिए, काली मिर्च डाल के खाइए और बहुत स्लाइटली सा सॉल्ट डालिए, हरी मिर्च
खा सकते हैं और धनिया डाल के खा सकते हैं। धनिया की जो कोरिएंडर लीव्स होती हैं वो डाल के खाइए, कितना टेस्टी फ्लेवर। करना क्या है, तवे पे आपको हल्का सा बहुत स्लाइटली सा घी लगाना है, उसके बाद या नॉनस्टिक में बनाए तो और बेहतर है, उसमें घी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छे से उसको बनाइए, फैलाइए और चीला आपका रेडी है, स्वादिष्ट चीला। आपको भूख भी आपकी कवर हो जाएगी, आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, और क्या चाहिए हमें। और अब बारी आती है रात की, जो मैं आपको हर डाइट प्लान में रिकमेंड करती हूँ। अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं वेट लॉस प्रोसेस में तो आप जरूर लीजिए, अगर डाइट प्लान फॉलो नहीं भी कर रहे तो भी आपको रात को सोने से एक घंटा पहले और खाने के दो घंटे बाद आपको क्या लेना है, टर्मरिक मिल्क। जी हाँ, हल्दी वाला दूध, एक ग्लास भर के दूध जरूर पीना है डेली रात को। अगर दूध नहीं पियेंगे तो टाइम से पहले आपके बाल झड़ जाएंगे, बेजान हो जाएंगे, कितनी मर्जी रेमेडीज अप्लाई कर लीजिए, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे। दूध कैल्शियम जो होता है सिर्फ हमें दूध से मिलता है, इसलिए उससे नाक चढ़ाना बंद कर दीजिए, इरिटेट होना बंद कर दीजिए, अपनी बॉडी का अच्छा सोचिए और दूध पीजिए। दूध में आप थोड़ी सी हल्दी ऐड करिए, चीनी आपको ऐड नहीं करनी, हल्दी ऐड करके उसको पियेंगे तो आपका पूरे दिन का स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, साथ में आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। जितना स्ट्रेस, जितना पेन, जितनी आपने एक्सरसाइजेस करी, जितनी भागम भाग करी ना, सब में बहुत आराम मिलेगा। ऑनेस्टली करके देखिएगा, 2 वीक्स का चैलेंज है 5 kg लूज करने का, डेफिनेटली ईशा की श्योरिटी है, करके देखिए। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, लेकिन साथ में करना है आपको एक्सरसाइजेस फॉलो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि डाइट प्लान के बेसिस पर आप 2 वीक्स में 5 kg लूज करेंगे, एक्सरसाइजेस मस्ट है। अगर आपको ऑनलाइन भी कोई गारंटी देता है कि ये डाइट प्लान फॉलो करो, मेरे को रिव्यू दे देना कि सिर्फ डाइट के बेसिस पे आपने वेट लॉस कर लिया, उसके बाद जब आप कंटिन्यू थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खाएंगे ना, आपका वेट डबल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को जो हैबिट हो गई है वो आपको इनटेक ज्यादा करने से आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। लॉस तभी आप कर पाएंगे जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपके ऑर्गन्स ठीक से काम कर पाएंगे। प्लीज इस बात को समझो, एक्सरसाइजेस मस्ट है, जरूर करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, लेकिन डेली फॉलो करिए। अब आप मुझे बताइए कि कमेंट करके आपको ईशा का ये डाइट प्लान कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, अगर लाइक नहीं करे तो उसका रीजन जरूर शेयर करना कि ईशा ये प्रॉब्लम है तुम्हारे समझाने में या ये चीज। बट प्लीज यार, आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो लाइव सेशन में, तो ऑनलाइन मेरी वीडियोस को भी प्यार दिया करो, लाइक तो बनता ही है यार, और शेयर करो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।